चलिए दोस्तों, लेके आए और एक नई टेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज दोस्तों वो आ रही गूगल की तरफ से गूगल पिक्सल 5a। ये जो फोन है इंडियन बीएस सर्टिफिकेशन साइट पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। और ये जो फोन है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G, एक नए मतलब एक पुराने 5G चिपसेट के साथ ये फोन आने वाला है। क्योंकि गूगल पिक्सल 4a इस फोन में भी यही चिपसेट आता था, इस फोन में भी यही चिपसेट आने वाला है। और स्पेशली ये फोन जो है ये इंडिया में बहुत ही जल्द आ सकता है, शायद अगले महीने के एंड में या फिर उससे अगले महीने मतलब जून के महीने में ये फोन इंडिया में आ सकता है। और इस बार ये जो फोन है मेड इन इंडिया होने वाला है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गूगल की तरफ से इंडिया में की जाने वाली। ये बहुत ही बढ़िया बात है इस फोन की। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी ने आज उनका सबसे सस्ता मतलब इंडिया का आप कह लीजिए सबसे सस्ता 5G फोन जो है वो लॉन्च कर दिया, रियलमी 8 5G, जो कि अंडर 15,000 आता है, मतलब 15,000 के नीचे सबसे सस्ता 5G फोन जो है वो रियलमी की तरफ से आ चुका है। तो अगर आप सोच रहे कोई 5G फोन लेने के बारे में और आपका बजट 15,000 रुपये है तो आप उस फोन को ले सकते हैं। वैसे ही जाते जाते रियलमी ने टीज कर दिया डायमेंसिटी 1200, इस चिपसेट पर बेस्ड इंडिया का पहला फोन जो है वो रियलमी की तरफ से आने वाला है। मतलब रियलमी का रियलमी GT सीरीज का GT न्यू ये जो फोन है ये रियलमी की तरफ से अगले महीने इंडिया में आ सकता है। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रहा है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F52। ये जो 5G वाला फोन है इसके कुछ स्पेसिफिकेशन निकल के आए और ये थोड़े शॉक कर देने वाले। इस फोन के अंदर 4310mAh के बैटरी बैकअप दिखाई दे रहे, साथ ही साथ 6.53 inches का एक FHD+ डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा एवरेज फोन के रहते, सैमसंग के फोन्स के कभी नहीं रहते, क्योंकि सैमसंग के जो भी फोन्स आते हैं वो मिनिमम 5000mAh के बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। लेकिन शायद ये फोन 15,000 से 17,000 के अराउंड आ सकता है, इसलिए ऐसे स्पेसिफिकेशन इस फोन में आ सकते हैं। तो देखना होगा सैमसंग की तरफ से जब ये फोन आएगा तो क्या इसी स्पेसिफिकेशन के साथ 15,000 से 17,000 के अराउंड आता है या फिर अलग ही कुछ स्पेसिफिकेशन निकलते हैं, ये देखना होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है एप्पल की तरफ से उनका अगला आने वाला iPhone 13 mini। ये जो फोन है इसके फर्स्ट लुक निकल के आ चुके और सेम टू सेम iPhone 12 mini जो था वैसे ही दिखाई दे रहे। कैमरा बम्प में थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है, मतलब डिजाइन में बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बाकी सारी चीजें सेम ही दिखाई दे रही। तो देखना होगा ये जो फोन है एप्पल की तरफ से कब तक लॉन्च होता है और इंडिया में किस प्राइस पे आता है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने टीज करना चालू कर दिया उनकी Mi 11X, ये जो सीरीज जो कि कल आने वाली उसके बारे में कुछ टीज करना चालू कर दिया। और स्पेशली क्या है, इसके अंदर नेविक का सपोर्ट होने वाला है और ये स्पेशली इंडिया के लिए अलग से डिजाइन की गई। तो देखना होगा कल जब लॉन्च इवेंट होगा तो इस फोन में और क्या क्या खास स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं शाओमी की तरफ से। और वैसे ही शाओमी का मी मिक्स फोल्ड जो कि शाओमी का एक फोल्डेबल फोन है, ये इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट है उसके ऊपर आज लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब शाओमी की तरफ से अगले 1 से 2 महीने में हमें एक फोल्डेबल फोन चाहिए वो देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा शाओमी की तरफ से ये जो फोल्डेबल फोन है किस प्राइस पे आता है और इस फोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है PUBG मोबाइल इंडिया इस गेम को लेकर। ये गेम ऐसे कहा जा रहा है इस महीने के एंड में इसका ट्रेलर आ सकता है, मतलब 30 तक इसका ट्रेलर आ सकता है। और ये जो गेम है फर्स्ट वीक ऑफ मे तक आ सकता है, मतलब पहले 10 दिनों में आ सकता है, ऐसे कुछ खबरें आ रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो यही कह रहा है कि ये गेम अगले महीने आ सकता है। तो देखना होगा क्या सच में इस रिपोर्ट के ऊपर से ये जो गेम है अगले महीने आता है या फिर उसके अगले महीने में आता है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये गेम इंडिया में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको पसंद आया नहीं आया आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।